किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनजर हरियाणा सरकार अनेकों कदम उठा रही है। उन्हीं में से एक है किसानों को बागवानी की ओर जागरूक करना। इस सिलसिले में किसानों को सब्जी और फलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में जिला यमुनानगर में बागवानी विभाग की ओर से किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हिसार से आई विशेषज्ञों की टीम ने किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे शुरू करें इसके बारे में बताया। रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार जहां ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं अब किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में भी जागरूक करने के लिए बागवानी विभाग कैंप लगा रहा है। इस कड़ी में यमुनानगर में भी बागवानी विभाग में हिसार से आई डॉक्टरों ने किसानों को इस बारे में जागरूक किया। विशेषज्ञों की ओर से बताया गया कि ये बिल्कुल नई तरह की खेती है, जिसके लिए देश भर के किसानों को जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन या फिर पानी किसान इसकी खेती कर एक साल में ही फल ले सकते हैं और करीबन तीन साल में लागत समेत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। यमुनानगर जो है उनके कुछ किसान जो इंटरेस्टेड किसान थे ड्रैगन के बारे में, उनको हम जानकारी साझा करने के लिए आए थे। मैं पिछले पांच साल से इस पे काम करने लगे और 2019 में हमने अपनी कंपनी रजिस्टर की। ये ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स LLP जो है, इसमें आने के बाद में हमने किसानों के खेत से जाके, जैसे आप ये देखिए, ये हमारा सिलेक्शन 2 है, तो आप इसके फ्रूट का साइज देखिए। और ये जो आज है, ये कम से कम इसको 12 दिन हो गए टूट के, 12 दिन बाद भी ये इतना अट्रैक्टिव है, ये एडिबल है। बाकी फल अगर आप देखोगे रूम टेम्परेचर पे, 12 दिन में तो वो सड़ के पूरे खत्म हो चुके होते हैं। ये फ्रूट जो है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कम पानी मांगता है, खुश्की के इलाके में भी हो सकता है, इसको बहुत ज्यादा बढ़िया जमीन भी नहीं चाहिए। जो थोड़ी सी कम उपजाऊ जमीन है उनमें भी हम मिट्टी को सुधार के इसको कर सकते हैं। ड्रिप पे ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर चुकी है, तो किसान भाइयों के पास ड्रिप की भी सुविधा है, तो इस फल को लगा करके वो एक साल में ही उत्पादन शुरू कर सकते हैं। यदि वो अच्छा तकनीकी ज्ञान साथ में लेके चलें, बढ़िया क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल लें, तो एक साल में इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो लगभग हमारी 2 से 2.5 साल में पूरी रिकवर होती है। और किसान भाई इस वक्त इसको होलसेल में भी अपने खेत से बैठे बैठे 100 रुपए से 200 रुपए किलो में बेच पा रहे हैं। डॉक्टर सुनीला चहल ने बताया कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज में भी ड्रैगन फ्रूट उपयोगी बताया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट का आम पापड़ की तरह ड्रैगन पापड़ भी बनाया जा सकता है, और जिस तरह बच्चों के लिए हॉर्लिक्स जैसे प्रोडक्ट दूध में मिलाने के लिए आते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट भी तैयार किया जा सकता है। तो जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, उन सभी का ये कहना है कि खाने के बाद में उनको एकदम रिफ्रेश्ड फील होता है और उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वहीं यमुनानगर जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके चलते ये कैंप लगाया गया। सरकार इस पर भारी सब्सिडी दे रही है। काफी किसानों का काफी एक बड़ा मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है इस क्रॉप में, वो जो लगाना चाह रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि उद्यान विभाग हरियाणा और जो हरियाणा सरकार है वो भी इस फल पे काफी जोर दे रही है, क्योंकि ये फल हमारे लिए भविष्य में काफी किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उनको एक काफी इनकम का एक अच्छा सोर्स उनको मिल सकता है। और इसके लिए उद्यान विभाग इस फल पे किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है। जो किसान पौधे लगाते हैं उस पे हमारी 50% सब्सिडी है, लगभग 50,000 रुपये प्रति एकड़ हम पौधों के लिए सब्सिडी देते हैं, और जो इसमें ट्रेलिसिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए 70,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी का भी प्रावधान। बिल्कुल यमुनानगर की मिट्टी और पानी दोनों ही चीजें इसके लिए उपयुक्त है और किसान इसको बेसंकोच इसको लगा सकता है। यदि उनको फिर भी किसी ट्रेनिंग की या कोई ऐसा एक्सपोजर विजिट की आवश्यकता है कि जो किसान ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, तो हम उन किसानों को उनके पास ले जाकर उनका फीडबैक भी हम उनको करवा सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से किसानों की आय में इजाफा हो रहा है, तो वहीं किसान पारंपरिक खेती को छोड़ते हुए बागवानी और फसल विविधीकरण के जरिए अपने आप को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, और हरियाणा सरकार इस ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सब्सिडी भी मुहैया करा रही है, जिसका किसान खुलकर लाभ उठा रहे हैं। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बावा की रिपोर्ट।